हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 64 से सेक्शन 75 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन बताते हैं कि फाइन, इसके पहले हमने सेक्शन 63 में बताया था कि जुर्माने की रकम जो होती है उसे अमाउंट ऑफ फाइन, उसे कोर्ट उस जजमेंट में मेंशन करेगी कि उसमें से सजा क्या है और जुर्माना क्या है, जुर्माना की सजा कितनी है, मतलब जुर्माना की रकम कितनी है, इसके बारे में उसको अपने आदेश में जजमेंट में मेंशन करना होता है। अब उसी जो अमाउंट है, जो फाइन है, फाइन अदा करेगा नहीं अदा करेगा, उसके लिए सजा क्या होगी या फाइन कितनी होगी, उन सब के बारे में ये सेक्शंस बताते हैं। इसमें सेक्शन 64 कहता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, जब जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश क्या होगा, मतलब अगर कोई व्यक्ति पर जुर्माना किया गया, फाइन किया गया और वो फाइन नहीं अदा करता है तब क्या होगा। तो जो कोर्ट है उसको जुर्माना देने के व्यतिक्रम की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, इस बात को लिखना होगा और यह बात उस जो वो जो अपराध के लिए सजा भोग रहा उसके अतिरिक्त होगी, इस बात को स्पष्ट मेंशन होती है कि जो सजा उसे मिली उस सजा के अतिरिक्त अगर वह फाइन नहीं अदर कर पाता है तो वह उतनी सजा उस फाइन के एवज में भोगेगा, ये बात उसमें मेंशन होगी, ये सेक्शन 64 कहता है। अब सेक्शन 65 कहा लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवार्डेबल। अब इसमें कहा गया कि अगर कारावास और जुर्माना दोनों अदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना ना देने की कारावास की अवधि कितनी होगी। तो इसमें कहा कि जिस बात के लिए, जिस सेक्शन के लिए कारावास और जुर्माना दिया गया, जुर्माना की सजा जजमेंट में आई, तो जो जुर्माने की सजा होगी, जुर्माना ना देने पर जो सजा होगी वह उस धारा में जो सजा होगी उस सजा की एक चौथाई से अधिक नहीं हो सकती। अब इसको हम जनरल भाषा में कह लेते हैं कि मान लो किसी धारा में एक वर्ष की सजा है, किसी धारा में एक वर्ष की सजा है और उस पर 10,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है और वो 10,000 जुर्माना नहीं अदा कर पाएगा, तो नहीं अदा कर पाने के एवज में उसको जो सजा दी जाएगी वो उसकी 1/4 मतलब 3 महीने से अधिक की नहीं होगी, यदि उसे 1 साल की सजा उस धारा में है तब। तो इसी तरीके से एवज में लगा लिया जाएगा कि उस सेक्शन में जितनी धारा, जितने उसमें सजा दी गई उसकी 1/4 से ज्यादा उसको अगर फाइन अदा नहीं करता है तो उसके एवज में दी जाए, उससे ज्यादा नहीं होगी, ये सेक्शन 65 क्लियर करता है। अब सेक्शन 66 कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, जुर्माना ना देने पर किस तरह का कारावास होगा। कारावास दो तरह के होते हैं, साधारण कारावास और कठोर कारावास। तो अब इसमें से कहा गया कि वो किस तरह का होगा, तो वो भी 66 में कहा गया, सेक्शन 66 में कि किस भांति का होगा ये भी उस आदेश में मेंशन होगा कि कितना वह जो जुर्माना अदा नहीं किया उसके एवज में जो सजा दी गई वो किस भांति की होगी, साधारण होगी या कठोर होगी। अब सेक्शन 67 कहता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, जुर्माना ना देने पर कारावास जबकि केवल वह अपराध जुर्माने से दंडनीय हो, मतलब कोई ऐसा अपराध है जिसमें केवल जुर्माना है, केवल जुर्माना और जुर्माने से वह दंडनीय है, तब ऐसे में अगर वह जुर्माना नहीं अदा कर पाता है
तो उसकी जो सजा होगी वह सादे कारावास से सजा उसको करी जाएगी, और इस पे टेबल दे दी गई कि उसको जुर्माना किस तरह का होगा। अगर जुर्माना में 50 रुपया का जुर्माना है, 50 रुपए से अधिक नहीं, 50 रुपए से कम है, तो 2 मास का साधारण कारावास होगा। और अगर 100 रुपए है, अगर 100 रुपए है तब, या 100 रुपए से कम है, तब मैक्सिमम 4 माह का साधारण कारावास होगा। और अगर 100 रुपए से अधिक है तब उसे 6 मास का साधारण कारावास होगा। 67 में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई अपराध ऐसा है जो केवल फाइन से, जो जिसमें केवल फाइन है और वह व्यक्ति फाइन नहीं अदा कर पाता है, तो कारावास साधारण होगा। अगर वह फाइन 50 रुपए से कम है तो 2 मास का, 100 रुपए से कम है, 100 रुपए तक है तो 4 मास का, और 100 रुपए से अधिक है तो 6 मास का मैक्सिमम कारावास हो सकता है। अब सेक्शन 68 कहता है इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना, इसका मतलब क्या है कि अगर वह व्यक्ति जुर्माना दे देता है तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी, मतलब वो जो कारावास भोग रहा है उसे कारावास भोगने से मुक्ति दे दी जाएगी। अब इस बात इसमें इसका मीनिंग क्या है कि सपोज करते हैं किसी पर 100 रुपए का 100 रुपए का फाइन किया गया था। कितना फाइन है? 100 रुपए का फाइन किया गया था, और वह फाइन नहीं अदा कर पाता है, नहीं अदा कर पाएगा तो उसको कितनी सजा होनी चाहिए? 4 मास की मैक्सिमम सजा होगी साधारण कारावास की। अब 4 मास के जब वो सजा साधारण कारावास में चला जाता है, और 15 दिन के बाद जब साधारण कारावास भोगने लगता है, 15 दिन के बाद वो 75 रुपए अदा कर देता है। कितना? 75 रुपीज अदा कर देता है। तो 100 रुपीज में से 75 उसने अदा कर दिया, इसका मतलब 3/4 रकम उसने अदा कर दी। तो 4 मास के कारावास में 3/4 कितना हो गया? 3 मास। इसका मतलब 3 मास की सजा उसकी साधारण कारावास की माफ हो गई। तो जैसे ही उसका 1 माह पूरा हो जाएगा, वो उसे जेल से मुक्ति दे दी जाएगी, रिहा कर दिया जाएगा, कारावास से मुक्त कर दिया जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर वो जितनी रकम अदा कर देता है तो उसी रेशियो में उसकी सजा जो साधारण कारावास भोग रहा है वो उसको मुक्त कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 69 कहता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। अब इसमें कहा गया कि अनुपातिक भाग दे दिया गया है, जो अभी हमने इसमें बात करी कि अनुपातिक भाग जो 68 में हमने बताया कि पर्यवसान हो जाएगा, तो जो एग्जाम्पल बताया वो एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक सेक्शन 69 में बैठता है कि पर्यवसान हो जाएगा, मतलब रेशियो में ही। जब अभी हमने बात करी कि 100 रुपीज का 75 रुपीज अदा कर देता है तो फिर कितना? 3/4 हो गया उसका रेशियो, और 3/4 रेशियो में उसकी सजा माफ कर दी जाए, ये सेक्शन 69 में कहा गया है। और सेक्शन 68 में कह दिया गया कि उस सजा को माफ कर दी जाएगी अगर वो पैसा अदा कर देता है। तो अब बात आती है सेक्शन 70 की, फाइन लेवेबल विद इन 6 ईयर्स और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। अब इसमें कहा गया कि अगर जुर्माना या उसका कोई भाग जो अदा नहीं किया गया, जुर्माना या उसका कोई भाग अदा नहीं किया गया, तो उसको 6 साल के भीतर जो सजा उसको दी गई है उस सजा के 6 साल के भीतर उस किसी भी समय उस जुर्माने की रकम को अदा कराया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी सजा 6 साल से अधिक है तो फिर उस पीरियड के भीतर उसे जुर्माने की रकम अदा करा दी जाएगी। और यदि उसकी डेथ हो जाती है,
तो डेथ होने पर जो उसकी सेल्फ की प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी से वो जो फाइन किया गया था उसको, उससे उस प्रॉपर्टी से उस फाइन की रकम को अदा कराया जाएगा। ये सेक्शन 70 कहता है। अब सेक्शन 71 में कहा, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, कई अपराधों से मिलकर बने दंड की अवधि। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कई अपराध किए जा रहे हैं, कई अपराध किए जा रहे हैं मतलब तो कई बार अपराध किए जा रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति, इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया कि एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को लाठी से मारता है और वह उसको 100 लाठी मारता है या 50 लाठी मारता है, तो एक लाठी की सजा एक वर्ष है। यदि लाठी मारने की सजा एक वर्ष है तो इसका मतलब 50 उसने लाठी मारी तो उसकी सजा 50 वर्ष हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, इस ये बात 71 कहता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर उसने लाठी मारी है, एक मारी है, 10 मारी है, 50 मारी है, तो उसको लाठी मारने की ही सजा होगी। ये नहीं कि एक के लिए अगर एक वर्ष है तो 50 के लिए 50 वर्ष हो जाएगी, तो वह क्या होगी, एक वर्ष ही सजा होगी। लेकिन अगर वह यही घटना, लाठी मारने की घटना, एक व्यक्ति का को मार रहा था लाठी, ए को मार रहा था लाठी, और उसके बाद वो बी को मारता है, का को मारता है लाठी से, का की मृत्यु हो जाती है और खा बी उसको या खा उसको बचाने के लिए आता है, तो बचाने वाले को मारने लगता है, बचाने वालों को भी चोट लगती, तो उसके दो अपराध हो गए। एक तो अपराध उसको लाठी से मारा जिसकी मृत्यु हो गई, और दूसरा अपराध वो हो गया जिस पर उसने बचाने के लिए आया और उसको भी उसने लाठी से मारा, उसको चोट लग गई, तो वो दो अपराध हो गए। तो इस तरीके से लाठी से मारना एक ही व्यक्ति पर एक अपराध, अगर उसने दूसरे को किया और उसको ज्यादा लगी या कम लगी तो वो दूसरा अपराध से दंडनीय होगा। सेक्शन 72 कहता, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट सेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। अब कई अपराधों का एक व्यक्ति दोषी है, कई अपराधों का एक व्यक्ति दोषी है, लेकिन ये संदेह है, ये डाउटफुल है कि वो उनमें से किस अपराध का दोषी है। एक व्यक्ति कई अपराधों का दोषी है लेकिन ये डाउटफुल है कि उनमें से किस अपराध का वह व्यक्ति दोषी है। तब फिर इसमें कहा गया, सेक्शन 72 कहता है कि उसे जो दंडित किया जाएगा वो उसके लिए जिस अपराध में कम, सबसे कम दंड दिया गया उससे उसको दंडित किया जाएगा। कई सेक्शंस लग गए उस पर और उसे डाउटफुल है कि वह किस सेक्शन का दोषी है, ऐसा उसको डाउट है कोर्ट को। तो इसमें कहा सेक्शन 72 में कि उसे उस दंड से, उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा जिस अपराध की सजा कम है, सबसे कम है। अब सेक्शन 73 आता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 73 एकांत परिरोध। जब सजा दी जाती है तो उस सजा में ये भी बात की जाती है कि इसे एकांत परिरोध कितना होना चाहिए, एकांत परिरोध वो भी उस जजमेंट में किया जाएगा। तो एकांत परिरोध में कहा गया है कि जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक न होंगे, मतलब एकांत परिरोध की सजा मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 मास की हो सकती है। अब उसके लिए इन्होंने टेबल बना दिया, टेबल क्या कहा कि 6 मास से अधिक न हो तो उसकी जो एकांत परिरोध की सजा होगी 1 मास से अधिक की नहीं हो सकती। अगर 6 मास की अवधि के लिए वह सजा हो गया तो उसे 2 मास से अधिक का एकांत परिरोध नहीं हो सकता, और अगर 1 वर्ष हो तो फिर उसे
3 मास से अधिक का समय की सजा नहीं हो सकती। ये सिंपल से सेक्शन 73 डिफाइन करता है कि एकांत परिरोध की सजा अगर किसी को सुनाई जाती है तो वो 3 मास से अधिक की नहीं हो सकती, 3 मास से अधिक की नहीं हो सकती। अब 6 मास वाले के लिए कहा इन्होंने 1 मास, और एक 6 मास की अगर किसी को सजा सुनाई जाती है तो उसमें से मैक्सिमम 1 मास का जो है एकांत परिरोध हो सकता है, और 6 मास से अधिक 1 साल के बीच में है तो 2 मास की, और 1 वर्ष से अधिक है तो 3 मास की सजा का एकांत परिरोध उसे मैक्सिमम दिया जा सकता है। सेक्शन 74 कहता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध की अवधि कैसे होगी। एकांत परिरोध तो दे दिया गया कि 3 मास की होगी मैक्सिमम, और उसको डिफाइन कर दिया गया 6 मास है तो 1 मास की, 1 साल तक का है तो 2 मास की, उसके ज्यादा है तो 3 मास की, 3 मास से अधिक नहीं दी जा सकती। अब ये दी कैसे जाएगी, ये सजा कैसे दी जाएगी, उसको 74 डिसाइड करता है। इन्होंने कहा एक बार में, वन टाइम में 14 दिन से अधिक का एकांत परिरोध नहीं रखा जा सकता। मतलब वो मैक्सिमम कितने दिन से एकांत परिरोध में रह सकता है, जो कैदी है, जो ऑफेंडर है, वो एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता। एकांत परिरोध की अवधि 14 दिन की होगी, और जो सजा दी जाएगी, जो सजा उसको दी जाएगी, मान लेते हैं कि 1 साल की सजा उसको दी गई, और 1 साल की सजा में से 1 माह का उसको एकांत परिरोध का दिया गया, तो एक बार में 14 दिन, तो उसको जो डेट डे है वो डिसाइड कर लिए जाएंगे, 1 साल को बराबर डिवाइड कर दिए जाएंगे 14 और 14 करके, कि उसे कितने माह बाद 14 दिन का एकांत परिरोध दिया जाए, फिर उस उतने माह के बाद फिर उसे 14 दिन का दिया जाए, तो जो सजा का पीरियड होगा उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, और उस पीरियड के बाद उसे 14 दिन, फिर उस पीरियड के बाद 14 दिन, फिर उसके पीरियड के बाद 14 दिन, ऐसे करके उसके एकांत परिरोध की सजा दी जाएगी। अब इसमें एक बात कहा गया, संपूर्ण कारावास किसी 1 मास से एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक का नहीं होगा। लेकिन इसमें कहा कि एक बार में अगर 1 माह के अंदर करना है तो 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज का एकांत परिरोध होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि सेक्शन 74 में कहा कि एकांत परिरोध मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, 3 मास का 73 में कहा गया, 74 में कहा उसे कैसे दिया जाएगा, तो एक बार में 14 दिन का, और जितनी सजा है उसको इक्वली डिवाइड करके उसके बाद 14 दिन का, फिर उसके बाद 14 दिन का, लेकिन 1 मंथ में केवल 7 दिन का ही एकांत परिरोध उसको दिया जाएगा। तो ये एकांत परिरोध का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि किस किस तरीके से उसको दिया जाएगा। अब बात आती 74 की, सेक्शन 75 कहता है इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रोविजंस कन्विक्शन। इसमें कहा गया है कि जो चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में दंड दिए गए हैं, उन दंडों से अगर कोई व्यक्ति पूर्व में ही दोषी सिद्ध हो चुका है, उन दंडों में से जो चैप्टर 12 और 17 में दिया गया, उनमें से पूर्व में ही कोई दोषी सिद्ध कर दिया गया है, और अब वह उसी तरह का सेम वैसा ही अपराध पुनः कारित करता है, तो उसे वह पश्चातवर्ती अपराध जो उसने किया था उसके समझ उसकी ही तरह से या ऐसी सजा उसको दी जाएगी जो 10 साल से कम की नहीं होगी। वही सजा दी जाएगी जो पूर्व में किया गया है, वो या तो उसे ऐसी सजा दी जाएगी जो 10 साल से कम की नहीं होगी। लेकिन अगर हॉनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी सजा को माफ कर दिया, दोष मुक्त कर दिया है, तो वो काउंट नहीं होगी। ये बात सेक्शन 75 कहता है। तो अभी इसमें से सेक्शन 64 से सेक्शन 75 तक क्लियर हो गए होंगे। अब इसकी कुछ सिंपल जो है एक्सेप्शंस है, जो अपवाद हैं वो चैप्टर 4 में दिए गए 76 से सेक्शन, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।